आगरा शहर के मोहिना बाबा की प्याऊ के सामने स्थित बाबा दा पराठा का नाले के पानी से आलू और अन्य सब्जियों को धोते हुए वायरल हुई वीडियो को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए आज बाबा दा पराठा रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया, जिसमें भारी मात्रा में गंदगी पाई गई, फ्रिज में भारी मात्रा में फफूंदी मिली। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव कुमार गोयल ने बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आज बाबा दा पराठा रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया और पनीर और दही का और हनुमान ढाबा से पनीर का सैंपल लिया गया। महावीर ढाबा में सफाई रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में रेस्टोरेंट में कोई भी खाद्य पदार्थ ढककर नहीं रखा गया था। ढकने के नाम पर सिर्फ अखबार से ढक रखा था, जिससे अखबार की इंक से खाद्य सामग्री दूषित हो रही थी। फ्रिज में फफूंदी लगी हुई थी, जिससे खाद्य सामग्री दूषित हो रही थी। बर्तन धोने का स्थान भी घुटन भरा था, साथ ही भारी गंदगी का आलम था। इसके अलावा सीमेंट की टंकी में पेयजल को स्टोर कर रखा था, जिसमें सफाई की व्यवस्था नहीं थी। रेस्टोरेंट से दही और पनीर का नमूना भी लिया गया। गोयल ने बताया कि 15 दिन के भीतर सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं होने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। बाबा दा पराठा रेस्टोरेंट और हनुमान ढाबा से लिए गए सैंपल को जाँच के लिए भेजा गया। गोयल के साथ अशोक लखेरा भी थे। उस दिन पूर्व यहाँ का कोई वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि इनके द्वारा आलू और अन्य सब्जियों को गंदे नाले के पानी में धोके उसको काम में लेने की शिकायत उस वायरल में दिखाई दे रही थी। इसी के तहत आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल यहाँ पर पहुँचा कि बाबा दा पराठा एक रेस्टोरेंट है जो पराठे और अन्य खाद्य पदार्थ लोगों को बना के खिलाता है। इसके तहत आज हमारे मेरे साथी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक लखेरा जी इस पर पहुँचे। यहाँ निरीक्षण करने पर हमने पाया कि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में गंदगी पाई गई। ये कोई भी खाद्य पदार्थ इन्होंने ढक के नहीं रखा हुआ था। जो भी चीज़ें इन्होंने ढकी हुई थी वो अखबार से ढक के रखी हुई थी, जिसकी इंक उस खाद्य पदार्थ पे लग के और उसको दूषित कर रही थी। फ्रिज की हालत ऐसी थी, उसमें दो दो तीन तीन उंगल तक फफूंदी जमी हुई थी, जो कि उसमें रखे हुए खाद्य पदार्थ को दूषित कर रही थी। इनके अंदर जहाँ बर्तन ये धोने का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल वातावरण घुटन भरा था, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में गंदगी पाई गई। और जो पानी इन्होंने पीने का स्टोर किया हुआ है वो एक सीमेंट की टंकी में स्टोर किया हुआ है, जिसमें कोई सफाई की व्यवस्था नहीं थी, जिसके लिए इनको साफ सफाई का और इन सब चीज़ों का एक इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के तहत इनको 15 दिन का समय सुधार के लिए दिया जाएगा। अगर ये उसमें कोई सुधार नहीं करते हैं तो इनका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। अभी तक किसी भी तरीके का कोई लाइसेंस नहीं देखा गया है, ना कोई बता रहे हैं ये। इसका लाइसेंस को ऑनलाइन सर्च करेंगे, अगर नहीं है तो विदाउट लाइसेंस का इनके खिलाफ चालान किया। किस किस चीज़ से इसका सैंपल लिया गया है? इनके यहाँ से पनीर का और दही का नमूना जाँच वास्ते लिया गया।